हाय गाइस, मैं आपका दोस्त कमल आपके लिए फिर से एक नई अपडेट लेकर आया हूँ रिगार्डिंग रीप। तो बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे, कमेंट्स आ रहे, व्हाट्सएप पे आ रहे, कॉल आ रहे कि भैया आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि डायरेक्ट जो है जेई के बेसिस पे होगा एडमिशन, ट्वेल्थ के बेसिस पे क्यों नहीं हो रहा। तो मैं आपके लिए कुछ आंकड़े लेकर आया हूँ आज रिगार्डिंग एडमिशन रीप इन 2021 जेईई मेन बेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अपने दिल को थाम कर बैठिए क्योंकि अब लगने वाले हैं झटकों पर झटके। ठीक है, तो हम हैं रीप की वेबसाइट पर। ठीक है, रीप अभी लॉन्च नहीं हुआ, वैसे जो लॉन्च होने वाला है जल्दी जेई के रिजल्ट के बाद। तो अब हम चलते हैं जो राजस्थान बोर्ड, ऑलमोस्ट बच्चे राजस्थान बोर्ड से आएंगे क्योंकि राजस्थान के अंदर ही हो रहे हैं एडमिशन एग्ज़ाम। तो चलिए देखते हैं। ओके गाइस, तो ये रीप की वेबसाइट जो है ये RTO कोटा चलाता है। ठीक है, कोटा भी राजस्थान के अंदर ही है, आपको पता होगा। तो हम चलते हैं राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो महान प्राणी है वो है श्री महान डोटासरा जी। तो ये जो डोटासरा जी आपको दिख रहे हैं, इन्होंने इस बार ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं उनको खूब भर भर के परसेंटाइल दिए हैं, खूब भर भर के, आराम से, मजे से, बहुत अच्छे अच्छे परसेंटाइल दिए हैं बच्चों को। तो ओके गाइस, तो आप जो देख रहे हैं ये डोटासरा जी है। ठीक है, तो ये डोटासरा जी ने इस बार बच्चों को इतने नंबर दिए, ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया बिल्कुल भी, राजस्थान बोर्ड के बच्चों का एक भी एग्जाम नहीं लिया और इतने खूब भर भर के परसेंटाइल दे दिए, 96, 95, 99, 100% तक। आज तक कभी पूरी जिंदगी में नहीं गए राजस्थान बोर्ड के अंदर पूरे 100% आए, लेकिन इस बार आए हैं पूरे 100% आए हैं बच्चों के। कोई एग्जाम नहीं हुआ, कोई क्लास कंडक्ट नहीं हुई, ठीक है ना, फिर भी ऑनलाइन के अंदर बच्चों के आ गए। ठीक है, आ गए, अच्छी बात है। ओके, तो फिर यही प्रॉब्लम रहा कि अब जो बच्चे हैं जिनके, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनको जो है, अगर हम बात करें LN ग्रुप की या फिर शेकआउट ग्रुप की अगर बात की जाए, तो वहाँ पे मिनिमम जो 400 बच्चों के जो नए, अगर अपन LN शेकावटी मैट्रिक्स ऐसे ग्रुप की बात कर ले, अगर दो तीन ग्रुप को जोड़कर अगर बात की जाए तो 97 या 96% जो है 400-500 बच्चों के वहाँ पे हैं। अगर वो 400-500 बच्चे भी अगर MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर या BTU बीकानेर टेक्नोलॉजी, RTU कोटा और जो बच के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेज है, अगर उनके अंदर अप्लाई करें तो उनको भी नहीं मिलेगा एडमिशन, 96 वालों को भी नहीं मिलेगा। तो फिर 90 वाले बच्चे हैं वो भी तो पढ़े हैं ना, उनके भी तो 90% आए। अब ये एडमिशन पॉसिबल नहीं है ऐसे कि 96 वालों को भी ना मिले, या फिर मेरिट जो है 98 पर ही छूट जाए, पूरे 200 बच्चों को एडमिशन मिल जाए, तो ये तो थोड़ा पॉसिबल है नहीं ना। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान या जो रीप काउंसलर्स है वो ये वेट कर रहे हैं कि जैसे ही JEE कंडक्ट हो जाए, JEE के रिजल्ट के बेसिस पे हम जो है एडमिशन कर देंगे इस बार। ठीक है, और वैसे भी ये रीप हर बार JEE के बेसिस पे तो लेता ही है, वैसे JEE थोड़ा ड्यू टू COVID-19 के कारण लेट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, और जो आई होप जो बच्चे ये बोल रहे थे कि जस्ट 12 के मार्क्स के बेसिस पे होगा, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि जो बच्चे JEE का एग्ज़ाम नहीं दिया, जिन बच्चों ने 12 के मार्क्स के बेसिस का वेट कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि आपको भी पता है कितने भर भर के परसेंटाइल आई है, तो कैसे हो सकता है एडमिशन। तो इसके लिए भी ऑप्शन है, जो बच्चे JEE का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, स्टेट यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अंदर अच्छी अच्छी सिटीज के अंदर जो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उसके अंदर हम आपको डायरेक्ट ओनली फॉर 999 रुपीज, 1000 रुपये के अंदर आपको जो है लाखों 40-50 लाख रुपए तक का प्लेसमेंट गवर्नमेंट कॉलेज ओनली फॉर चार साल के जो है 1-2 लाख रुपए फीस, ऐसी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो आप वो ले सकते हैं अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो। और 99% ये पॉसिबिलिटी है कि जो एग्ज़ाम जो है वो JEE के बेसिस पे ही हो रहा है और 12th के मार्क्स के बेसिस पे बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अगर एग्ज़ाम होता है तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एग्ज़ाम हाउ टू कंडक्ट, कैसे कंडक्ट हो सकता है, ये तो आपके सोचने की बात है कि एग्ज़ाम होगा तो होगा कैसे 12th के मार्क्स के बेसिस। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जिन बच्चों ने JEE में नहीं दिया या अप्लाई नहीं किया या फिर बहुत ही 2% आया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं।
जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं। नीचे मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग एडमिशन के। बहुत सारे कॉलेजेज स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है जो MBA मार्किंग कोटा से भी अच्छा प्लेसमेंट देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड जो भी आगे की एडमिशन प्रोसेस है वो मैं बताता रहूँगा कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे इंस्टीट्यूट मिलेगा, स्पोर्ट राउंड वगैरह वगैरह। सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, खूब पढ़िएगा, बहुत कम मजा करिएगा। ओके, थैंक यू।